वालेकुम अस्सलाम अजहर उनका तल्लु फैसलाबाद से है उन्होंने माइक्रो बायोलॉजी में बी एस ऑनर्स किया है नाइंग एम फिल माइक्रो बायोलॉजी फ्रॉम पी एम लैपटॉप स्कीम और अचीवमेंट तो नहीं कह सकता लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को ट्यूशंस दे रहा हूँ अमेजिंग आप नॉलेज आगे स्प्रेड uh, आउट कर रहे हैं सो आई थिंक दैट इज एन अचीवमेंट और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है सर आई एम फ्रॉम सून वैली वेर इज सून वैली मोहम्मद नईम ये नवीद कौन है आई हैव नो आइडिया ओके शो हुआ होगा इट मस्ट बी यू नो कुछ के मैं देख रहा हूँ कुछ के मैं नहीं देख रहा आप सबके नेम मुझे शो हो रहे हैं मैं आप आपको पहले बता रहा हूँ ज़्यादातर उन कॉमेंट्स को देख रहा हूँ जो थोड़े से इंटरेस्टिंग uh, लग रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद जैन कह रहे हैं जी उन्होंने एच ई सी स्कॉलरशिप ली है यूनिवर्सिटी में मोहम्मद जैन अगर अच्छा होता है कौन सी यूनिवर्सिटी और किस शहर में उमेर अली आपके uh, आपका मैं पढ़ चुका हूँ कॉमेंट मेजोरिटी फॉर फिजिकल क्लासेज आप देखें आप सब इतने मुखलिफ इलाकों से या तो आप सारे सालकोट आ जाए आपको पढ़ा दू <laughs> तो ये हो सकता है ऑनलाइन क्लास ताकि आप सब लोग एक जगह पे मर्ज हो जाए और um, फायदा उठाते हैं इस चीज का कि आप लोग के पास इंटरनेट है अवेलेबल तो आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस गेन कर सकते हैं ओके इन पंजाब ऑल राइट Uh, नाम आपका शो नहीं हो रहा uh, है लेकिन रहीम तारिक हैं जी एम कॉम अकाउंटिंग बद्दीन जक्रिया यूनिवर्सिटी से मुल्तान प्रोग्राम दिस इज नॉट इन डी जी स्किल प्रोग्राम ठीक है तो ये कन्फ्यूजन नहीं uh, आप रखिएगा फरहान बट कह रहे हैं गुजरा वाला से हैं, एल उन्होंने किया है जबरदस्त जी वी लॉयर्स Uh, also, learned one year Chinese course from Jiangsu University, China. Right now, working as a lawyer. So, that is uh, Chinese. What was Chinese? Was it uh, like working there or trading

कोई नहीं चाला हुमा हम इसको डिटेल में देखेंगे माय अचीवमेंट इज आई सेव माय फ्रेंड मैरिज लाइफ एंड गाइड थ्रू कुरान एंड सुन्ना आई थिंक दैट इज माय अचीवमेंट दैट इज ग्रेट माशाल्लाह थैंक यू जुल्फिकार आपने इसके बारे में शेयर किया ओके okay, ओके okay. अच्छा यार कमेंट्स सबके मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ बिकॉज इतने सारे कॉमेंट्स हैं तो सेलिब्रिटी फीलिंग्स आ रही हैं सो uh, किडिंग so, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ और uh, मुझे जो नजर आ रहा है मैं उसको देख रहा हूँ माई अचीवमेंट इज दैट आई वेट ऑन ग्राफ्ट एंडलीटेन अल अजीज आप मेरे साथ अपने फाइवर लिंक इस क्लास के बाद शेयर कीजिएगा मैं जरूर उसको देखना चाहूंगा कि uh, आपने uh, किस तरह के आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं किस तरह के आपको रिव्यूज मिले हैं स्किल में काम कर उसको हम आगे जाके कोर्स में किस तरह बेहतर कर सकते हैं अच्छा, एक थोड़ा सा जो पहले से वो थाम के रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनर का अलिफ बे भी नहीं पता तो मैंने उनको अलिफ भी बताना है मैंने उनको बे भी बताना है तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है जब वो अलिफ बे वो भी सीख रहे होंगे तो आप लोगों ने परेशानी होना कि यार ये सर क्यों इतना बेसिक लेवल पे बता रहे तो मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि मैं स्टूडेंट को ईच एंड एवरी डिटेल में बताऊँ और आप लोगों के साथ इनशाला इसी तरह के इंट्रेक्शन रहेगा कि हम लोग हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे और जो लोग थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हैं फाइबर से लेकर या ग्राफिक डिज़ाइन से लेकर उनको थोड़ा सा मेरे साथ बेरअप करना पड़ेगा तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं फॉर एग्जाम्पल उनकी वजह से मैं कहूँ स्टूडेंट्स को आता है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एडवांस गोल्ड मेडल कौन जीता है भाई अच्छा थोड़े से मैं और कमेंट्स देखूंगा और फिर हम लोग जो है मैं जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा फ्रीलांसिंग के बारे में भी और फिर हम देखेंगे हम लोग इस कोर्स से मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं हम सिखा देंगे वी आर किसी को कुछ भी नहीं आता इस लाइक जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसको तो वैसे ही कुछ नहीं आता तो आप लें आप ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में भी हैं अभी आप छोटे बच्चे हैं तो उसको नर्चर करना मेरा काम है अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग का ये जो वीडियो का लिंक है भाई इधर ही शेयर हुआ करेगा आप लोगों की यहाँ सेव रहेगा यहाँ से आप ग्रुप में जाके दोबारा से पूरी वीडियो देख सकते हैं और जो भी बात मिस हो गई है उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं वैसे आज कोई ऐसी बात मिस होने वाली थी नहीं लेकिन आप यहाँ से दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं जस्ट इनकेस ग्रुप में ही लिंक आपका शेयर होगा

तो वो फिर अब मुझे आइडिया हो रहा है कि इतने ज्यादा कमेंट्स हो तो समझ नहीं आती दिमाग घूम जाता सो ओके इंटरेस्टेड एंड वांट टू डू ट्रेनिंग जबरदस्त उमर इस तरह के नॉन सीरियस कमेंट्स नहीं करने मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है इसके नीचे सो मेक श्योर यू डोंट डू सच नॉन सीरियस कॉमेंट्स बेशक इट्स फनी बट मेक श्योर यू डोंट डू सच डोंमेंट्स रही हाँ तो इसके बारे में मैंने बताया आपको कि आप आ, अगले अगले दिन दो बजे जो है क्लास एंड हुआ करेगी ओके सो मोस्टली मैंने आई uh, कुछ जो है लास्ट में एक दो पढ़ लेता हूँ इरफान याकूब मेरा हाल से आपको मैं पढ़ लिया वांट टू बी अ फ्रीलांसर वर्किंग एज अ ट्रेनिंग कंसलटेंट इन डब्ल्यूएचओ ऑन मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट ड्यूरिंग दैट इज अमेजिंग माशाल्लाह इरफान आप uh, कोविड के दौरान जिन्होंने काम किया है उनकी बहुत ज्यादा हिम्मत है आई वॉज वन ऑफ दम एज वेल ओके सो अब हम देखते हैं जरा थोड़ा सा कोर्स की तरफ नजर डालते हैं मैं जरा थोड़ा सा ना आप लोग तो को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में क्योंकि अगर किसी को कोई अगर नहीं पता कि यार फ्रीलांसिंग क्या होती है तो मैं जरा बेसिक लेवल पर थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वॉट इज फ्री लैंसिंग Uh, उसमें प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे और uh, किस तरह हम उसको आगर, आगे आगे ले लेकर चलेंगे सो so, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फिर कल से हम इंशाल्लाह कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे जो हमारी फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन और फ्रीलांसिंग की कोर्स आउटलाइन होगी कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और फिर हम कल से जो है थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आगाज करेंगे हमारे जो स्किल uh, जो है यानी जो स्किल्स आप लोग को यहाँ पर आ, आ, मैं सिखाऊंगा उसका बट मैं मेक श्योर करूँगा कि आप लोग के पहले सॉफ्टवेयर सारे डाउनलोड हो जाएं यानी सर चाह आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा दें आ, तो आ, आप लोग उसके बाद हम लोग स्किल सीखना शुरू कर देंगे यार ये जो बात है ना कि लिंक्स डिलीट ना करवाएं इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता ये तो एक आप समझ लें एक ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश ना पूरी होने वाली वाली है सो so, सी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं ऑल राइट सो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी ठीक है अ uh, ठीक है बेसिकली ए रोजगार प्रोग्राम में हम लोग आप लोग को बता चुके हैं रोजगार प्रोग्राम जिस तरह छत्तीस डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहा है ए रोजगार प्रोग्राम और ये एक फ्री फ्री लांसिंग है आप लोग से कोई फीस नहीं ली गई आप लोग फ्री इसमें एंटर uh, हुए हैं एंड देर इज नो फीस दैट हैज फ्रॉम है ट्वेंटी फोर आवर फैसिलिटी है ट्वेंटी फोर आवर फैसिलिटी से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पहले तो हमारी क्या uh, कहते हैं फिजिकल क्लासेस होती थी मतलब ये कि आप लोग ग्रुप में कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एसिस द यूथ इन लर्निंग सस्टेनेबल एंड ऑनरेबल इनकम बेसिकली फ्रीलांसिंग से एक जो ग्रेजुएट बंदा है देखें जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो uh, आपने इतने लाख अपनी एजुकेशन पे लगाए तो जब जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आपको कहते हैं जी फॉर uh, एग्जांपल ये ले लीजिए 15000 ये ले लीजिए 20000 uh, हम लोग आप लोग को इतने में हायर करते हैं एक मिनट मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल आपने इतने जॉब पे अपने पैसे लगाए होते हैं सॉरी एजुकेशन पे आ, वो आपके साथ यानी जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको वो पंद्रह बीस पच्चीस हजार में जी आपको कहते हैं जी बस इतना ही है तो ई रोजगार का, का काम बेसिकली ये है कि हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो अब आपका काम यह है कि आप कुछ स्किल्स एक्वायर करें और स्किल्स एक्वायर करने के बाद आप आ जाए फ्रीलांसिंग की दुनिया में अब फ्री की दुनिया क्या है फ्री की दुनिया को हम जरा देखते हैं इसको जरा रहने दें अच्छा व्हाट इज फ्रीलांसिंग है थोड़ा सा जरा प्रेजेंटेशन थोड़ी सी जरा उल्टी सीधी हो गई है इज़ ठीक है तो ये है हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज तो फ्री लांसिंग तो फ्रीलांसिंग क्या है फ्री में आप एक डिजिटल मजदूर बन जाते हो व्हाट इज अ डिजिटल मजदूर मजदूर क्या करता है मजदूर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आप बाहर जाए तो दिहाड़ी वाले वो कहते हैं ना एक वर्ड यूज होता है दिहाड़ी वाले लोग या दिहाड़ी वाले मजदूर जिनको आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोई शॉर्ट टर्म काम कराना है आपने यानी कोई एक फर्नीचर इधर से उठवा कर उधर करना है तो आप उनको 200-300 रुपए हजार रुपए देते हो और वो आपका फर्नीचर वहां से उठाते हैं और यानी आपका सामान उठाते हैं इधर से उधर करते हैं और चले जाते हैं वो अपनी यानी वो दिहाड़ी बेसिकली उर्दू लफ्ज है उसको भी आप फ्री लांसिंग ही कहेंगे वो बेसिकली आप लोगों से फ्री लासिंग करते हैं यानी उनका कोई एक परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं होता वो किसी के साथ भी कभी भी किसी भी टाइम काम कर सकते हैं और रात को तीन बजे भी अगर आपको अवेलेबल है तो आप उनको अगर कहेंगे कि भाई हमें यहाँ से सामान इधर से उठा कर उधर करना है तो अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं तो वो कर सकते हैं समझ लगी बात के नंबर वन फ्रीलांसिंग में क्या होता है यू बिकम अ डिजिटल मजदूर डिजिटल मजदूर क्या होता है कि आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी कभी भी किसी वक्त किसी भी वक्त आपको हायर कर सकता है ऑल right? आप किसी के भी साथ काम कर सकते हैं और वो काम कभी भी यानी मोस्ट केसेस में परमानेंट नहीं होता कोई भी आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता जिसको आपने सुबह नौ से पांच जो है रिपोर्ट करना है वो जी बॉस आ रहा है बॉस को सलाम करना है इस तरह कोई नहीं है इसमें कोई अब ये देखें नंबर सेकंड ये है कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर मैंने लिटरली ट्रेन में बैठ के भी फ्रीलांसिंग की हुई है सो so, आप लोग कहीं पे भी बैठ के जहां पे आपके अगर आपके पास लैपटॉप है अगर आपके पास इंटरनेट डिवाइस है तो आप कहीं पे भी कहीं पे भी बैठ के आप चाहे अपने मामू के घर बैठे हो आप चाहे किसी शादी वाले घर में हो आप चाहे अपने कमरे में हो आप कहीं भी बैठ के आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हैं ठीक है आप पाकिस्तान में नहीं हैं आप कहीं और हैं आप कहीं पर भी हैं आप लोग फ्री कर सकते हैं दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फ्री लेंसिंग इसमें कोई यानी जोग्राफिकल लोकेशन लिमिट नहीं है यानी कि आपको इधर होना पड़ेगा आपको इधर पहुंचना पड़ेगा इस टाइम पर पहुंचना पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है नंबर थर्ड इसमें बहुत जो मुझे अच्छी चीज लगती है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी अच्छा क्यों क्या ही ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल के यार अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल यार हम ऐसा काम करें जिसमें जितना हम चाहें हम अर्न करें तो ऐसा काम बेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल जॉब में आप पैंतीस हजार की जॉब है आपने एडी चोटी का जोर लगा दिया कंपनी को बिजनेस दे दे के आप थक गए दे दे के थक गए कंपनी जो है आपकी सैलरी बढ़ाने पर आए तो कहते हैं जी दस परसेंट हम बढ़ाएंगे साढ़े तीन हजार आपका बढ़ा है बस सो वो भी साल बाद दो साल बाद सो भाई यहाँ पर फ्रीलांसिंग में क्या होता है मैं आपको तो थोड़ा सा गाइड करता हूँ फ्रीलांसिंग में आप कहते हैं कि सर आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर मैं आपका लोगो डिजाइन कर सकता हूँ या मैं आपका बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकता हूँ या मैं आपका कोई भी डिजाइन बना सकता हूँ ये मेरी आप ना वहां पर एक ऑनलाइन अपना पोर्टफोलियो कह लें या अपना एक स्टोर कह लें या अपना प्रोफाइल कह लें खोल देते हैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक, एक करनी की शॉप कहीं पर खुल गई है तो अब खुल गई है तो कस्टमर तो वहाँ जाएगा सो इस तरह हमारी ऑनलाइन एक शॉप खुल जाती है हम हम वहां पे पोर्टफोलियो अपडेट कर देते हैं तो वहां पर कभी भी कोई भी कस्टमर किसी भी दुनिया के हिस्से से आ सकता है अब वहां पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम एक से ज्यादा स्टोर्स खोल सके यानी एग्जाम्पल एक जगह पे मैं कह रहा हूँ कि मैं लोगो बनाऊंगा एक जगह पे मैं कह रहा सर आपके लिए एक ब्लॉग लिखूंगा एक जगह पे मैं, कह सर, मैं आपके लिए डेटा एंट्री का काम करूंगा so, क्या हो रहे? Different stores खुल रहे हैं और मैं अपने आप को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि मैं ज्यादा ऑडियंस को रीच कर सकूँ और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकू फ्रीलांसिंग में पता है पैसे कमा मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही होता है मैं आप लोग को तो थोड़ा बताता हूँ मोर टाइम ज इक्वल टू हो गया मोर टाइम इज इक्वल टू आप इस तरह समझ लें like is equal to more money. टू में ये है कि जितना आप टाइम स्पेंड करते हो जितना आप टाइम स्पेंड करते हो उतना आप पैसा कमा सकते हो जितना कम टाइम स्पेंड करोगे उतना कम पैसा आप कमा सकते हो आप कहते हो तो कि सर मैं दिन में सिर्फ एक घंटा काम करूंगा तो एक घंटा काम करने के लिहाज से आपको एक घंटे के लिहाज से ही आपको काम मिलेगा जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे जितनी ज्यादा एफर्ट्स करोगे जो जो भी मैं आप आगे जाके आप लोगों तो को ट्रिक्स वगैरह टिप्स ईच एंड एवरीथिंग जब मैं बताऊंगा तो ईच एंड एवरीथिंग जब आप उसको आपने सिर्फ ये चीज याद रखें कि सर ने बताया था कि भाई जितना टाइम दोगे ना उतना ज्यादा आप लोग के पैसों की जो लिमिट है वो ज्यादा हो सकती है कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है कोई अच्छा इसमें एक चीज याद रखिए कोई फिक्स नहीं है मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो महीने कुछ सौ तो डॉलर भी कमाते हैं कुछ पांच सौ भी कमाते हैं कुछ हजार भी कमाते हैं ठीक है मैंने अपने खुद करियर में फ्रीलांसिंग करियर में कभी कभार महीने में सिर्फ बीस डॉलर भी कमाया है कभी कभार महीने में दो हजार डॉलर भी कमाया है कभी कभार पंद्रह सौ डॉलर भी कमाया है कभी कभार कीरो डॉलर भी कमाया है कोई फाइनेंशियल वो नहीं है कैप नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या आप कितना टाइम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कभी कभार किसी के घर में कोई ओकेजन आ जाता है वो नहीं टाइम दे पाता उस महीने तो उस महीने उसकी अर्निंग नहीं होगी कोई ऐसा नहीं है कि ये फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म अगर आपने काम नहीं किया फॉर एग्जाम्पल जॉब में तो ये होता है ना अगर आप जॉब में फॉर एग्जाम्पल काम इतना नहीं करते लेकिन जॉब वालों ने आप लोग को पैसे देने हैं तो इसमें अगर ये कि अगर आप किसी महीने काम बिल्कुल नहीं करते तो आपको ये नहीं कि वो फ्री लैंसिंग प्लेटफॉर्म जो कहेंगे ये लीजिए सर आपके बीस हजार रुपए आप नहीं कर सके लेकिन ये आपको कंपनसेशन है तो ऐसा नहीं है सो so, इसमें ये है कि जितना आप टाइम दोगे और उतना आपके पास पैसा आएगा सो आई होप आप लोगों को Uh, जो है स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है uh, मैं ये डिजिटल मजदूर का उमे मैंने इसलिए लव्ज uh, यूज किया है कि मैं आप लोगों को ना रिलेट कराना चाह रहा था जो कि एक फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जो एक डेली uh, लाइफ में जो मजदूर जिस तरह नहीं काम करते हैं, मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग से रिलेट करना चाह रहा था वी आर नॉट मजदूर ऑब्वियसली रोन बॉस मैं इस चीज पर डिस्कस करता हूँ कि फ्री लैंसिंग में आ, हम लोग अपने खुद उस चीज को हम डिस्कस करते हैं सो नो वर्किंग आवर लिमिट्स सबसे बड़ी चीज है भाई आप लोग मैं अक्सर काम करता हूं uh, रात को मिड नाइट लाइक आफ्टर ट्वेल्व सो आफ्टर ट्वेल्व टू यू नो सिक्स ए एम और सेवन ए एम तो फ्री लैंसिंग में एक तो नंबर वन चीज ये है आम, आपके कोई वर्किंग लिमिट नहीं है कभी भी आप काम कर सकते हो देखो एम्प्लॉयर किसी का प्रोजेक्ट कर रहे हो आपने तीन दिनों में करके देना है अब आप वो काम चाहे चार बजे करो चाहे छह बजे करो बस आपने एक डेडलाइन है कि आपने तीन बजे तक उसको तीन दिनों में कम्प्लीट कर कर देना है लेकिन उन तीन दिनों में आपको कोई स्पेसिफिक उसने टाइम नहीं बताया कि सैफ साहब आपने जो है ना सुबह नौ बजे उठ जाना है अलार्म लगा लेना ऐसा नहीं है तो वो इसमें ये होता है कि यू कैन वर्क एनी टाइम आप साथ में काम कर रहे हैं पीछे आपने यूट्यूब पे म्यूजिक लगाया हुआ है या आप लोग साथ नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं कोई मसला नहीं है ने आपसे नहीं उसने बस ये कहना है मुझे तीन दिनों के अंदर मुझे काम कंप्लीट आपने क्वालिटी वाला करके देना है so, सो जो एक ऑफिस की फॉर्मेलिटीज होती है ना कि आपने टाई पहननी है टाई ऑरेंज कलर की नहीं हो सकती ठीक है टाई का ये कलर नहीं हो सकता पेंट आपकी इतनी वो इस तरह की होनी चाहिए जूते आपके शाइनी होने चाहिए तो ऐसा कोई फ्रीलैंसिंग में ना कोई ऐसा वो नहीं है चीज नहीं है हाँ आप लोग तो कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर आ, कुछ ना बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि हम आपके साथ चार महीने छह महीने के लिए काम करेंगे तो वो लोग आप लोग को कह सकते हैं कि भाई आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक आवर्स दिन के ना हमारे साथ इस तरह अप्लाई करना है लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ आगे जाके डिस्कस करूंगा यू हैव नो एम्प्लॉयर यू आर इंडिपेंडेंट और इस पे ही जो जिस तरह उमैर कह रहे थे कि वी यू आर योर ओन बॉस ठीक है आप अपने खुद के बॉस हैं आपका कोई बॉस नहीं है आपका कोई पक्का एम्प्लॉयर नहीं है जिसको जवाब देना है जिसको आपने ई लिखनी है या जिसको आप लोगों ने कहना है यस सर वो जो आते हैं ना ऑफिस में वो सर आते हैं तो सारे ऑफिस में कहते हैं जी सर आ गए सर आ गए तो वो वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हैं आप एक लाइक यू आर सोल इंडिपेंडेंट आप जितना चाहें खुद से कमा सकते हैं जितना चाहें अपनी सर्विस को सेल आउट करते हैं आपके किसी कंपनी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ हुआ कि आप ये नहीं कर सकते या आप ये वाली बात इस टाइम पे नहीं कह सकते या आप इस टाइम पे अपनी प्रमोशन नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ नहीं है आप सिंपली यू आर इंडिपेंडेंट आप जब चाहें जो मर्जी जिस टाइम पे जो भी स्किल सेल आउट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं हाँ ये है एक चीज ये है कि जब आपको तीन दिनों के लिए कोई बंदा हायर करता है तो वो आपसे काम से रिलेटेड सवाल जरूर पूछ सकता है इस तरह भी नहीं कि बिल्कुल ही हम फ्रीडम ले लें कि वो हमसे काम से रिलेटेड भी सवाल ना पूछे फॉर एग्जाम्पल उसने अपना लोगो बनवाना है या उसने अपना आर्टिकल लिखवाना है तो उससे रिलेटेड तो आपको कह सकता है ना कि भाई इस तरह आपने लिखना है इतने टाइम पे मुझे दे देना है आपने तो उसको आपने जरूर फॉलो हमने करना होता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिग्रीज़ डू नॉट मैटर ओनली स्किल एंड एक्सपीरियंस डस देखें इसके लिए अगर आपने चाहे पी की हो कुछ भी किया हो, और अगर आप इंटर मैट्रिक के भी हो तब भी अगर आपके पास स्किल है और एक्सपीरियंस है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो इस पर कोई भी डिग्री का वो नहीं होता कि आपको कहेंगे भाई पहले अपनी पी की डिग्री अपलोड करो फिर आपकी प्रोफाइल बनेगी ऐसा कुछ नहीं है

लेकिन इन सम केसेस आप लोग प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हैं कि, अच्छा मैं इस क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ तो आई कैन चूज इट फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जॉब करें तो वो तो आपको कहीं दूर कहीं किसी गांव में भी भेजने को सर्वे करना है तो आप चूज नहीं कर सकते आप नो no नहीं कह सकते सो दिस इज द थिंग आई होप आप लोग सो नहीं रहे होंगे बस थोड़ी सी रह रहेगी प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स uh, जो हैं हमारे मेजर प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये चार हैं इसके अलावा भी हैं जिस तरह जिसबर uh, आप लोग आप एक काम कीजिएगा आप लोग को छोटा सा मैं टास्क देता हूं आप लोगों ने क्या करना है आज जाकर ना इन चारों प्लेटफॉर्म्स की सिर्फ वेबसाइट जाकर खोलनी है और थोड़ा सा बस ओवरव्यू लेना है कि व्हाट इज दिस वेबसाइट अबाउट नंबर वन इज फाइवर फाइवर एक सबसे मेजर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और uh, यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पर बेसिक लेवल का बंदा जो है फ्लरिश कर सकता है जिसको ज्यादा स्किल्स का आइडिया नहीं है जिसकी सादा स्किल्स नहीं है फिर आता है पीपल पर आवर, पीपल पर पर आवर आवर थोड़ा सा इससे एडवांस हो जाता है नहीं, पहले हम इस पे काम करेंगे फिर इस पे जाएंगे पीपल पर आवर का ये सिनेरियो है कि इसमें थोड़ा सा वो उनकी एप्लीकेशन वो मांगते हैं साइन अप करने के लिए आपको एप्लीकेशन अपनी अप्रूव करानी पड़ती है जिसको मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूंगा Uh, और इसमें जो है हम क्लाइंट्स uh, थोड़े से यहाँ पे आपको इजीली क्लाइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे थोड़े से मुश्किल मिलते हैं बट अगर यहाँ पर हमें इजी क्लाइंट्स मिलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पैसे जो हैं कमाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू दीज प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांसर भी बिल्कुल पीपल पर आवर की तरह है थोड़ा सा एडवांस प्लेटफॉर्म है uh, यहाँ पर भी uh, पैसे कमाने के चांसेस अच्छे होते हैं और अपवर्क जो है ये सबसे ज्यादा एडवांस है और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल और टॉप लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो इनके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन हर चीज बताऊंगा आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग ने इन को, जिस तरह फाइवर है ठीक है इन वेबसाइट को जाकर सिर्फ इस तरह देखें कि व्हाट इज इट अबाउट इस वेबसाइट को जाकर देखें ये किस तरह का मतलब क्या है इसमें सिर्फ आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये सर्विसेज आपको नजर आ रही हैं ये देखें ये आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं ग्राफिक uh, डिजाइन है डिजिटल मार्केटिंग है फिर उसकी आपको सर्विसेज नजर आएंगी लोगो डिजाइन कोई भी आप क्लिक कर लें आप सिर्फ जाकर देखें कोई भी मैं आपको टास्क नहीं दे रहा कि आपने ये चीज जाकर समझ नहीं है मैं चाह रहा हूँ आप सिर्फ जाकर इन वेबसाइट्स को देखें और बस एक्सप्लोर करें आप जिस तरह ये पीपल पर आवर है इन वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं

Uh, uh, टाइम है या एक हफ्ते का टाइम है तुमने इस हफ्ते के अंदर काम कर देना मैं तुम्हें बीस डॉलर पच्चीस डॉलर या तीस डॉलर दूंगा आवरली में होता है कि फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रोजेक्ट टोटल बजट फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का है सौ डॉलर और वो कहते हैं कि यार तुमने तुम्हें मैं दो दिन का टाइम देता हूँ दो दिनों में तुमने हर दिन में पांच पांच घंटे काम करना है और मैं तुम्हें दस डॉलर चार्ज छोड़ूंगा तो वो आवरली बेस पे भी यानी आप काम कर सकते हैं खासतौर पे अपवर्क पे इस तरह का होता है ये इनशाला इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि हमारे पास दो टाइप के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं एक आवरली प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक फिक्स प्राइस होते हैं सो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मैं अभी आपका इसका आंसर कर दूंगा प्रोज एंड कॉन्स प्रोज का मतलब होता है फायदा कॉन्स का मतलब होता है नुकसान तो uh, मेरी नज़र में इसके प्रोज तो बहुत ज्यादा हैं प्रोज uh, में अगर आपको बताऊँ जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यू आर योर ओन बॉस आप uh, जितनी चाहे अर्निंग करना चाहें आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतनी कर सकते हैं आपका टाइम लिमिट कोई नहीं है आप कभी भी कहीं पे किसी दोस्त के साथ निकलना है रात को काम कर लें कोई मसला नहीं है कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं है uh, आप जितना एफर्ट डालेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग कोई आपकी अर्निंग कैप नहीं है कुछ लोग भाई पांच हजार डॉलर भी बना लेते हैं महीने का इट्स देर इज नो लिमिट टू इट कुछ लोग जीरो डॉलर छ छह महीने तक उनका जीरो डॉलर चल रहा होता है तो कोई कैप नहीं है कोई एक गारंटीड चीज नहीं है यानी इसमें यह कि आपको चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप ज्यादा कमा सकें नुकसान इसका ये है कि आपकी थोड़ी सी सोशल लाइफ कम हो जाती है आपको रातों को थोड़ा सा जागना पड़ता है बिकॉज फ्री लासिंग जब हम करते हैं तो हम ज्यादातर यूएस और कैनेडा के क्लाइंट्स के लिए करते हैं या यूके के क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो जब हमारे यहाँ पे रात के दो या तीन बज रहे होते हैं तो उनकी उस टाइम जो है ना वर्किंग आवर्स चल रहे होते हैं सो तो ये है कि थोड़ा सा रात को जागना पड़ता है नंबर सेकंड ये है कि अगर आप एडिक्टिव हो जाते हो फ्रीलांसिंग से तो आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है सोशल लाइफ एज इन के आपको दोस्तों से मिलना जुलना किसी की शादी है तो मे भी ऑर्डर चल रहे हैं तो उसको मिस करा देना थोड़ा सा ये है बस और तीसरा कौन अगर मैं इसको कौन अगर मैं इसको कहूंगा तो ये कहूँगा कि फ्रीलांसिंग के बारे में ना अपने पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप क्या कर रहे हैं वो समझते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन शायद कोई वीडियो गेम खेल रहा है या कोई नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहा है तो उनको जरा समझाना सर असल में हमारे माशरे में वही बंदा सक्सेसफुल हमें नजर आते है जो सुबह नौ बजे उठ के जॉब पे जाए और छह बजे वापसी आए भले वो बंदा सिर्फ बीस हजार रुपये कमा रहा हो तो उसके वो नौ घंटों का क्या फायदा तो मेरे एक हैं शायद में नाम सुना ही होगा सनी अली मैं उनसे बहुत चीजें सीखता हूँ तो अक्सर ये चीज बताते हैं कि अपने घंटे आप बचाएं अपने घंटे सेव करें तो जो मेरा मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे जॉब्स में आता है वो ये है क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वहां पर आप इतने घंटे दे रहे होते आप आपके उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं सो so, सो so ये थोड़ा सा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप लोगों को गाइड करना था मैंने यहाँ इससे रिलेटेड आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को मैं एज ए ट्रेनर अभी तक किस तरह का लगा हूँ क्या चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू गाइस कैन शेयर दैट एज वेल हाउ मच हैव आई अर्न हियर आई हैव नेवर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी भी ना कैलकुलेट नहीं करता लेकिन अगर आप एवरेज लगाएं तो मैंने एक महीने में अगर एवरेज कभी जब ज्यादा काम होता है तो कमा लेता हूँ और, और आपका अगर इतना निकल रहा है तो आप जब उसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी अमाउंट में क्योंकि मेरी मेरा यह है कि मेरी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है तो मैं उसको साथ लेकर चलता हूँ कुछ लोग जो है वो बिल्कुल अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं और फुल टाइम काम करते हैं तो मे बी वो ज्यादा अर्न करते बट आई चूज टू अर्न दिस मच यही मैं आप को बताना चाह रहा था कि फ्री में आपके पास एक कैपेसिटी होती है कि आप कितना घंटे बैठे रहो प्रोजेक्ट पे अपलाई करते जाओ गिग्स बनाते जाओ भेजते जाओ जो हम सारा आगे डिस्कस करेंगे तो आपके उतने ही चांसेस ज्यादा होते जाते हैं। Freelancing के लिए लैपटॉप इसी तरह जरूरी है कि जिस तरह अगर मैंने लाहौर जाना है तो मुझे गाड़ी जरूरी है और गाड़ी में जाना है तो पेट्रोल जरूरी है तो ये समझना डेटा डेटा किस टाइप की हो सकती है आप डेटा एंट्री की बात कर रहे हैं दिल ये सब मैं आपको बताऊंगा इसमें परेशान देखें आप लोग ने ना कुछ चीजें मेरे पे छोड़ देनी है और मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कर लेना आई नो आई एम अनोन टू यू उमेर आपके काफी नॉन सीरियस कमेंट्स आ रहे हैं इसको थोड़ा सा बेरअप करें आप Uh, यहाँ पर uh, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो कोशिश कर रहे हैं नॉन सीरियस कमेंट्स ना करें uh, आप टाइम एंड डेट ऑफ क्लास अब्दुल बासित टाइम आप लोगों की क्लासेस का रोजाना दो बजे हुआ करेगा ठीक है uh, दो से चार अब दो से चार भी क्लास हो सकती है किसी दिन या दो से साढ़े तीन भी हो सकती है मतलब uh, दो से आप चार के दरमियान जो है ना आपकी क्लासेस हुआ करेंगी मतलब मैक्सिमम जो है ना आपकी क्लास साढ़े तीन तक तो हुआ करेगी लास्ट में साढ़े तीन से चार के दरमियान वाला जो टाइम है वो आगे पीछे भी हो सकता है सो so, जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास चार बजे ही ठक खत्म हो गुरु डॉट कॉम भी है बिल्कुल उसके बारे में भी इसमें स्लाइड में उसका लोगो एडिट नहीं था गुरु डॉट कॉम है नाइनटी नाइन डिजाइन है इनको भी आप देख सकते हैं इन, इनको भी आप थोड़ा स्टडी करें स्टडी से मुराद के मैं यही नहीं कह रहा कि आप लोग कोई उसको पढ़ने बैठ जाए और उसको सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि जाके आप विजिट करें सिर्फ एक विंडो शॉपिंग तरह होती है सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होगी हमारी आगे ऑनलाइन ही होगी पूरे बैच में देखें फिजिकल तो पॉसिबल ही नहीं है ना आप पूरे पाकिस्तान से लोग हैं या तो हम के बीच में कहीं इकट्ठे हो जाते हैं कोई बीच में हमारे शहर लगता है कोई तो सारे वहां आ जाए कोई मुल्तान से है कोई फैसलाबाद से है कोई मिया वाली से है तो कितने कितने दूर दूर इलाके हैं भाई मैं खुद सालकोट से हूँ सो so, फिज़िकल क्लास का तो कोई चांस ही नहीं बनता सो so, उसको भूल जाएं फिज़िकल क्लास को देखिए ऑनलाइन क्लास का मैंने आप लोग तो को बेनिफिट बताया है इस मैं मेरे लिहाज से जिस तरह का मेरा कोर्स है ना ये ऑन मुझे मुझे ज़्यादा कंफर्ट जोन ऑनलाइन में ही मिलता है मैं उसकी वजह बताता हूँ बिकॉज जो भी चीज मैंने यहाँ पे करनी है जिस तरह मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन दी है क्लियर आपको नजर आ रहा है ईच एंड एवरीथिंग जो मैं एडिट कर रहा हूँ सब चीजें नजर आ रही हैं जब आप आ, क्लास में बैठे होते हो दूर से देख रहे होते हो कोई बच्चा पीछे बैठा होता है उसको नजर का मसला होता है कोई बच्चा आगे बैठा होता है उसको कलर सही नहीं नजर आ रहे होते हैं प्रोजेक्टर का इशू आ सकता है बहुत से इस तरह के इशू होते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन क्लास जो है वो अच्छी है उसमें हमारे वाले कोर्स में ना हर चीज आपको सामने सामने नजर आती है क्योंकि स्क्रीन जो शेयर हो जाती है Uh, बिल्कुल uh, आप देखें इस पर मैं आप लोग का कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नो आइडिया मेरा देखें मैं आप लोग को ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं कि आप लोग कुछ चीज़ें जो हैं जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से और कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आपको जो हमारे साथ अभी दो uh, लोग आए थे जिसमें हमारे पास सेंटर मैनेजर थे और एस थे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं नंबर वन चीज़ जो भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यानी फॉर एग्जांपल कोर्स की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या लेक्चर की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ टूल परफॉर्म होना है उसकी समझ नहीं आ रही या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसके लिए आप हमेशा मुझे रीच आउट करेंगे ठीक है आपको जरूरत नहीं है कि सर आप, आप आकेब सर से पूछ रहे हैं सर वो फाइवर पर प्रोफाइल बनानी थी वो किस तरह बनानी है तो इस तरह नहीं होगा बिकॉज उनका वो डोमेन नहीं है ठीक है या आप ऐसे नहीं सब आपसे पूछ रहे हैं जी वो सर वो जरा बताइएगा एलिस्टेटर में ये वाला टूल किस तरह यूज होता है उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो जो भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होगी वो हर क्यूरी जो है उसको सॉल्व करना मेरा काम है नंबर सेकंड अब आ जाते हैं दूसरे किस्म के, के मसलों में सो so, uh, दूसरी चीज थी, दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जांपल जो आपके अटेंडेंस के इश्यूज होंगे फॉर एग्जांपल क्लास अटेंडेंस ईच एंड एवरीथिंग Uh, वो जो चीज है uh, वो आप लोग डिस्कस करेंगे अपने सेंटर मैनेजर से आप लोग का सेंटर मैनेजर कौन है क्या uh, कहते हैं आकिब साहब जो भी आज आए थे मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जरा वेट कर लें मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर सबका करता हूँ सो so, uh, मेरी जरा बात केयरफुली सुन लें इम्पोर्टेंट बात है uh, तो मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ सबका तो जो भी इस तरह की क्यूरीज हैं जिसमें आपका आ गया अटेंडेंस से रिलेटेड uh, हो गया और फॉर uh, एग्जांपल uh, आप लोग के अटेंडेंस के इश्यूज आ रहे हैं या आप लोग ने लीव लेनी है या आप लोगों को फॉर एग्जांपल uh, कोई भी इस तरह का ग्रुप में कोई इशू आ रहा है ग्रुप में कोई चीज अपलोड करनी नहीं हो रही कोई भी इस तरह का इशू आ रहा है उससे रिलेटेड आप लोगों ने uh, जो है ना डिस्कस जो करना है वो करना है सर आकिब सर जो हमारे पास लैब मैनेजर आए थे आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपने मेरे साथ किस तरह की क्यूरीज डिस्कस करनी है और फॉर uh, एग्जाम्पल आपने सर आकिब से किस तरह की क्यूरीज डिस्कशन करनी है नंबर थर्ड ये है कि uh, जो सर शाकिर थे जो एस एन ई थे हमारे उनके साथ आप लोगों ने बेसिकली जो उन्होंने आप लोगों को गाइड करने के आप लोगों ने सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करने हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से मुराद कि आपने ईच एंड एवरीथिंग सॉफ्टवेयर का क्रैक किस तरह इंस्टॉल करना है किस तरह उसको फुलफिल uh, करना है उसके बारे में आपको सारा वो गाइड करेंगे तो जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे वो आप सर शाकिर से आप डिस्कस करेंगे वो आप ना ही uh, मुझसे आप कंसल्ट करेंगे ना ही सर आकिब से यानी ये तीन मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए कि इस तरह बेसिकली आप लोग अपनी क्यूरीज को टाइमलाइन uh, करेंगे अब आ जाते हैं आप लोग के क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन <coughs> यह है कि जी सर सर्टिफिकेट बच्चों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्टूडेंट्स में तो वो आप लोग के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे वो आपको ऑनलाइन पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकेंगे हसन कह रहे हैं सर आई वुड लाइक टू लर्न फिजिकली हसन इसमें आप कुछ नहीं हो सकता फिजिकली uh, क्लासेस का यू हैव टू टेक इट ऑनलाइन अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में मुझे कोई आईडिया नहीं कि उन्होंने क्योंकि आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट uh, से uh, नहीं वी कैन नॉट क्रिएट एनी सच ग्रुप्स और ना ही आप लोग करेंगे uh, देखें मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं uh, मेरा जो ट्रेनिंग स्टाइल है ना uh, वो स्ट्रिक्ट नहीं है मैं क्योंकि हम लोग सारे सिमिलर एजेस के हैं तो मैं चीजें जो है स्ट्रिक्ट uh, नहीं रखता लेकिन मेरी एक ये चीज़ है कि मैं कुछ चीजों पे ना बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अब वो कौन सी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ नंबर वन चीज ये है कि आप जितने भी लोग हैं चाहे 280 हैं चाहे हजार हैं आप सब ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है कमेंट्स में मैं कहीं पे भी ये देखूंगा कि किसी ने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है तो वहां पर मेरी टॉलरेंस पॉलिसी जो है ना या टॉलरेंस लेवल जो है वो जीरो होगा नंबर वन आप लोग क्लासेस आपकी मिस हो गई है कोई मसला नहीं है आप बहुत रीजन होते हैं मैं मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं कौन सी चीज़ में टॉलेट नहीं कर पाऊंगा और कौन सी चीज़ों में मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा सो so, इस तरह की चीज़ जहां पर आप लोग कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसको कोई सार्केस्टिक कोई कमेंट कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल उसकी दिल आजारी हो तो इस तरह की जब आप लोग करेंगे ना तो वो मेरे लिए इनटॉलरेबल होगा नंबर वन नंबर टू ये कि जो हमारी मैनेजमेंट के लोग हैं जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं अगर आप लोग ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्टफुल देखें रिस्पेक्ट देना मेरा भी आपको काम है और रिस्पेक्ट देना आपका भी हमेशा टू वे होता है अगर कोई स्टूडेंट फजूल में या किसी uh, बेतु की वजह पर डिसरिस्पेक्टफुल एक एक uh, थोड़ा सा ये माइंड uh, में रखिएगा किसी चीज से डिसएग्री करना बिल्कुल बजा है और करना भी चाहिए इख्तलाफ होना चाहिए लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल वे में डिसग्री करना थोड़ा सा डिफरेंस है तो जहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी तो वो चीज़ इंटॉलरेबल हो जाएगी और उस चीज का जो है आप लोगों ने जरूर ख्याल रखना है नंबर थर्ड चीज़ ये कि आई डोंट जिस तरह ये अच्छी बात है इन्होंने मैसेज किया मुझे याद आ गया कि मैं मैं आप लोग को रूल शेयर कर दूँ कि आप लोगों का कोई भी सेपरेट ग्रुप नहीं होगा जहाँ पे आप लोग चैट करेंगे या कैजुअल डिस्कशंस करेंगे हम यहाँ पर आए हैं पढ़ने जब आप किसी जगह पढ़ने जाते हो तो आप लोग का एम सिर्फ पढ़ना होना चाहिए uh, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे सारी चीज़ों का आइडिया कि जब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं हमारे माइंड में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती सो so, uh, हम लोगों ने uh, इस कोर्स को सिंपली फोकस रखना है पढ़ाई एंड सिंपली फोकस करना है कि हम इससे क्या चीज़ गेन कर रहे हैं um, बाकी जहाँ तक बात है कि किसी को फॉर एग्जांपल मैसेज कर देना या वो अलाउड नहीं है uh, आप लोग ने अगर किसी को रीच आउट करना है बाद में इन फ्यूचर अगर तो आप मुझसे पूछ के आप कर सकते हैं बट खुद से करना इज़ नॉट अलाउड सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि uh, आप लोग ने इस चीज़ों का ख्याल रखना कुछ क्वेश्चन uh, हैं आप लोगों के okay, वो मैं आंसर कर देता हूँ और एक चीज थोड़ा सा ये लीजिएगा कि अगर आप लोग के क्वेश्चन के आंसर नहीं होते तो जस्ट प्लीज बी पेशेंट कोई कहीं पे भी नहीं जा रहा मैं तीन महीने आप लोगों के साथ इधर ही हूँ आप लोग दोबारा पूछ लेना उस चीज को दिल पे नहीं लेना आप लोगों ने स्टूडेंट्स अक्सर दिल पे ले, ले लेते हैं ओहो सर ने हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं किया पता नहीं शायद हमसे कोई मसला है सर को तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ नजर का होता है कि बस जो नजर से स्किप हो जाए उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता सो यू कैन आस्क अगेन राइट अच्छा डेटा एंट्री में आ, अदील वैसे वो हम पढ़ेंगे नहीं इसमें क्योंकि वो हमारा डोमेन ही नहीं है लेकिन डेटा एंट्री में डिफरेंट किस्म के होते हैं एक्सेल पे भी होते हैं ज्यादा एक्सेल शीट्स पे होते हैं और डिफरेंट um, थीम्स के होते हैं उसमें लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा अच्छा जो क्वेश्चन थे सर्टिफिकेट uh, वाला मैं आंसर कर चुका हूं सर मेरी वेबसाइट में पॉलिसी वॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है कैन यू हेल्प मी अवॉइड दिस देख सकता हूँ क्योंकि डिजाइनिंग से रिलेटेड नहीं हो सकता है या आ, आपके अगर वर्ड प्रेस पर तो उससे रिलेटेड हो आप मुझे बता देना मैं अगर आ, कुछ कर सकता हूँ तो मैं आगे किसी को शेयर कर दूंगा मुझे इसका सोल्यूशन बता दे शायद हाउ टू शेयर स्क्रीन ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होता है वो आप तभी कर सकते हो जब मैं आप फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर लाइव लूँगा कल से मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किया करूँगा बेसिकली ये इनवाइट लिंक होता है आप लोग किसी ने भी लाइव आकर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है बट उसके कुछ रूल्स होंगे रूल्स ही होंगे अगर आपने वीडियो अपनी ऑन करनी है तो मेक श्योर यू आर इन फॉर्मल क्लोथ्स ठीक है और अगर वीडियो नहीं अगर आप फॉर्मल क्लोथ्स में नहीं है तो इट्स बेटर आप सिर्फ ऑडियो ऑन करें इफ यू आर सीरियस टू अटेंड ट्रेनिंग एंड वर्कर्ट मॉसिफिशियल फॉर ऑल बिल्कुल और विल आप पे डिपेंड करता है आप कितने सीरियस हैं तो ये चीजें आप पर ही डिपेंड करती हैं प्लीज चेंज द टाइम नॉट इन माय हैंड इन और ये ना ही टाइम चेंज होगा ये लेक्चर्स वालेकुम असलाम ये लेक्चर्स ग्रु, ग्रुप में सेव होंगे सिर्फ 24 घंटे के लिए उसके बाद डिलीट हो जाएंगे जी आई होप द सेम और uh, <coughs> आई जस्ट होप कि हमारा जो ये सेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए आप लोग सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और सब एक दूसरे का जो है एक दूसरे के आइडियाज़ की, की रिस्पेक्ट करें आई नो पर बहुत से लोग इसलिए वो अचीवमेंट शेयर नहीं करना चाहते उनको एक भाई क्लास में कोई और बंदा देखे तो पता नहीं हंसना पड़े ये एक हमारी एक साइकी है और मैं उस पेस से गुजर चुका हूँ बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज तो यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है वो जब पहले दिन टीचर कहता है जी अपने बारे में बताओ तो आप सोच रहे हो तो मैं क्या बताऊं सो so, मेरी मेरी क्लास में ना मैं आप लोग की छोटी छोटी जो भी अचीवमेंट है उसको मैं सेलिब्रेट किया करूंगा उसकी वजह है कि मैं आई एम नॉट जस्ट अ ट्रेनर फॉर यू गाइज आई विल बी विलटोर फॉर यू गाइज इज वेल कि आप लोग डेली लाइफ में किस तरह मोटिवेटेड रह सकते हैं किस तरह आप लोग फॉर एग्जाम्पल अपने काम को लेकर चल सकते हैं तो जितना मेरे से कोशिश होगी मैं आप लोग को गाइड करूंगा लेकिन 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 हमेशा ना वो कहते हैं ना कि एफर्ट टू वे होती है तो आप लोग की यानी एफर्ट की भी मुझे जरूरत है जिसमें फॉर एग्जांपल आप लोग की पार्टिसिपेशन और आप उस उसको किस तरह डील करते हैं सो किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है नहीं अच्छा ये इमरान ने बहुत अच्छी बात की है सर डू वी गेट नोट्स इन एनी फॉर्मेट पीडीएफ अब होगा ये भाई के आप लोग मैं साथ साथ क्लास पढ़ाता जाऊंगा ठीक है बीच में हम रुकते जाएंगे आपसे सवाल करता जाऊंगा आप लोग ने क्या करना है आप लोग के पास दो तरीके <coughs> या तो आप लोग नोट्स बना लें और बाद में प्रैक्टिस कर लें या आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लें ठीक है तो नोट्स जो है वो आपने खुद बनाने जस्ट लाइक like, uh, आप किसी यूनिवर्सिटी लेक्चर में बैठे आप नोट्स बना रहे सर तो नहीं बना के देता ना आपको नोट्स तो आपने बेसिकली नोट्स खुद बनाने और बड़ी अच्छी बात है आपने कमेंट किया ताकि मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोगों ने नोट्स जो है वो खुद बनाने आपका हो रहा था हामिद मैंने कमेंट पढ़ भी लिया आपका और मैंने आपको आंसर भी कर दिया हाँ जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा जिस तरह मैंने ये पीडीएफ शेयर की है या कोई प्रेजेंटेशन है या कोई भी मैं कॉन्टेंट इस तरह का डेली बेसिस पे ग्रुप पे शेयर कर दिया करूंगा ग्रुप में मैं किया करूंगा। जो भी हम पढ़ा करेंगे कोशिश करूंगा हैं वो मैं शेयर कर दिया करूंगा लेकिन उसकी शर्त है सर बस ट्यूटोरियल शेयर कर दें हम अगले साल देख लेंगे इस तरह नहीं है वो ट्यूटोरियल उसी टाइम देखना है और बाकी आप लोग सीरियस देखें मैं आप ऑनेस्ट बताऊँ मैं अपने स्टूडेंट्स की अगर एग्जाम्पल दू तो मेरे पास जो स्टूडेंट सीरियस रहा है ना उसने अर्निंग किया जो स्टूडेंट नॉन सीरियस रहा ना वो एंट्री एनपीपी कहता रहे सर नहीं वो नहीं हो पाया वो देखेंगे कर लेंगे तो भीगी बिल्लियां नहीं चाहिए मुझे मुझे तगड़े लोग चाहिए जो मतलब इस तरह की उनकी अगर लैपटॉप नहीं है क्या हो गया लैपटॉप नहीं है आप किसी दोस्त का ले लो लैपटॉप कोई मसला नहीं है किसी जब आप अपनी प्रायोरिटाइजेशन में इसको रखोगे ना टॉप पे के नहीं यार के मैंने फ्रीलांसिंग करनी है तो आप फिर करोगे फ्रीलांसिंग चाहे आपके पास लैपटॉप हो या ना हो सर एनी बुक अबाउट फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइन आई बी योर बुक अबाउट फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइन इनशाला हसनैन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी वो बुक बनूं अक्रॉस थ्री मंथ्स ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम होगा आपके पास चौबीस घंटे के अंदर आप देख सकते हैं uh, so, uh, उसके बाद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है इनशाला गुड सेशन और मैं होपफुल आप लोग सपोर्ट करेंगे और देखें इस सपोर्ट का फायदा एट द एंड ऑफ द डे आपको होगा मैं आप लोगों ना एक छोटी सी चीज बताऊँ अगर आप लोग इस चीज को फोकस करोगे ना ओहो यार आज तो वो इंटरनेट नहीं सही चल रहा आवाज़ नहीं सही सुनाई दे रही देखें हमेशा ना बड़ी पिक्चर को देखा करें आ, ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इनको हम मैं अक्सर कहता हूँ पैटी इशूज पैटी इशूज होते हैं छोटे इशूज़ छोटे इशूज को लेकर कभी भी नहीं घबराना अगर आपने बड़ा इंसान बनना है ना तो आप लोग ने छोटे इशूज को लेकर नहीं घबराना आप लोग हाँ कोई बड़ा इशूज हो बड़ा इशू कोई हो तो उसको समझ आ सकती है कि मतलब उस पर आप घबराएं लेकिन ये जो छोटे छोटे इशूज हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉमेंट शो नहीं हो रहा लिंक ओपन नहीं हो रहा ये छोटे छोटे इशूज हैं इस पर आप लोगों ने घबराना नहीं है इसमें परेशान नहीं होना ये माइनर से इशूज हैं और ये सो so, आप लोगों ने ना मतलब फुली कमिटेड और स्ट्रोंग रहना है और ऑनलाइन सेशन में ये इश्यूज आएंगे कभी लाइट चली जाती है ठीक है तो पाँच मिनट का गैप आ सकता है क्योंकि ऑब्वियस बात है इंटरनेट दोबारा ऑन होता है दोबारा से स्ट्रीम शुरू होती है तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ तो हम लोग लाइक हमारी तरफ से ये काविश ही आप समझ लें कि हम लोग आप लोगों को देखें इस कोरोना के टाइम पे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं अलाउ कर रही कि फिजिकल क्लासेस हों हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं और ऑनलाइन में ये मसले आते हैं चाहे आप चाहे आप कारपोरेट इंटरनेट भी लगा लेना तब भी मसले आएंगे मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ सो so, इन मसलों से घबराना नहीं है आप लोगों ने कि छोटे छोटे मसले होते हैं अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं और कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है बस अब मैं आप आपको को इमरान खान वाले घबराना नहीं नहीं वो नहीं कह रहा लेकिन ये कि मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही कोई बात नहीं ऑनलाइन लेकर तो देखें हो सकता है आपको ऑनलाइन से ज्यादा फायदा हो जाए यू नेवर नो और ऑनलाइन का मैंने आपको दो फायदे बता दिए कि जो भी परफॉर्म होगा एक तो 24 घंटे होंगे आप लोगों के पास कि वो रिकॉर्डेड होगा आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं दूसरी चीज ये कि इसमें वॉइस क्लियर आ मतलब आपकी जो रिकॉर्डेड वॉइस होती है वो आपकी रिकॉर्ड हो जाती है अब आप एक लेक्चर फिजिकल ले रहे हैं उसमें मैंने जो बोला है वो मे बी किसी स्टूडेंट ने मिस कर दिया है अब स्टूडेंट शर्मा रहा है कि सर दोबारा से आप कह सकते हैं वो अब वो अब उसने बोला ही नहीं, और चौबीस घंटे कम और, तो और जो भी चीज मैं आप परफॉर्म करूंगा वो आप सामने सामने देख सकते हैं जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन ओपन किया बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर उसको देख रहे हैं कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा आप लोगों को सो दिस इज ऑनलाइन क्लास मैं काफी दफा बता चुका हूँ कि लेक्चर आपका सेव होगा फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर एग्जाम्पल आज की ये क्लास है ना दो बजे हुई है तो आप लोगों की दो बजे वाली क्लास कल दो बजे तक जारी रहेगी अच्छा अभी क्विकली आप लोग ने गाइड्स ये करना है मैंने आप लोगों के साथ ये अटेंडेंस लिंक शेयर किया हुआ है आप लोग ये जहाँ से आप लोगों ने ये लिंक किया था ना यहाँ पे मार्किट अटेंडेंस का लिंक है प्लीज इस लिंक को आपने ओपन करना है या जो सर आप जहाँ से आपको बता रहे थे इस लिंक को आपने ओपन करना और अपनी अटेंडेंस लगा लें जल्दी से आज की कल से जो है हम स्टार्ट में ही अटेंडेंस लगाया करेंगे और जो भी अटेंडेंस लगाएगा उसने एक कमेंट